कहीं कोई कहने लायक नहीं है कि हाँ लालू जी का परिवार हो या कांग्रेस हो। और जहां तक कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो उनका तो पूरे खानदाने घोटालाबाज है। पूरे 90 के दशक में अभी आप देखे होंगे कि बार बार ही घोटाला कहीं न्यूज आते रहता है। आज क्या कहते हैं, NDA गठबंधन प्रधानमंत्री मंत्री के अगुवाई में पूरे 40 के 40 जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक News24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है RLJD के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं और कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं। मैं उनसे जानूंगा कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस नेता जो सांसद हैं उनके घर जो करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, तो उन चीज़ों को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं, इनके इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा हुआ, प्रदेश महासचिव RLJD। अभी जो कांग्रेस नेता के घर में जो करोड़ों रुपया बरामद हुआ है और भारी प्रचुर मात्रा में बरामद हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इस तरीके का घटना लगातार कांग्रेस के टीमों में देखा जा रहा है? देखिए, बताते हैं आपको। कांग्रेस हो, जितना भी घमंडिया गठबंधन लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे और घटक दल हैं, सभी लोग जो है भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। कहीं कोई कहने लायक नहीं है कि हाँ लालू जी का परिवार हो या कांग्रेस हो या और गठबंधन उनमें जो जुड़े हुए हैं, जो UP के जो बता रहे हैं आपको, अखिलेश यादव हो, जो भी ये घमंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं, सारा के सारा भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। कहीं न कहीं इन लोग जो घमंडिया गठबंधन के लोग जो भी है, नेता लोग जो हैं, सारे नेता लोग एक बैठक करते हैं कहाँ घोटाला करना है, किसको घोटाला करना है, कौन जमीन घोटाला करना है। आप सुनते होंगे, बार बार न्यूज में आता है, राजद का जो अभी मुख्यमंत्री जो अपने आप को बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कतई बिहार का जनता कतई नहीं बनाएगा, क्योंकि एक घमंडिया गठबंधन जो है हरेक बार कहीं न कहीं इनको घोटाला कहीं न्यूज आते रहता है। बार बार आप ही लोग न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे बिहार का जनता जानते रहता है। और जहां तक कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो उनका तो पूरे खानदाने घोटालाबाज है, पूरा खानदाने। वो पारिवारिक पार्टी है कांग्रेस, ये जनता की पार्टी नहीं है, वो परिवार वाली पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है। इसीलिए वो पूरे 90 के दशक में अभी आप देखे होंगे कि बार बार ही घोटाला कहीं न्यूज आते रहता है। आज क्या कहते हैं, उनको तो हर लोग पूरे देश का जनता जान रहे हैं कि घोटालाबाज पार्टी है। अच्छा, लेकिन RJD के तरफ से या इंडिया गठबंधन के तरफ से कहा जाता है, भाजपा जो है ED का एक सरगना चलाती है, ED और इनकम टैक्स का जो सरगना चलाते हैं, भाजपा जो कहती है ED टीम को वो करती है, क्या लग रहा है कि इसमें कहां तक सच्चाई है? क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी पे इस तरीके का मामला संज्ञान में आता है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा भी होता है कि इस तरीके का नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर सवाल खड़ा करना एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। देखिए, केंद्रीय एजेंसी का काम है, जो चोर रहेगा उसको नहीं पकड़ेगा क्या? अगर भाजपा पर ये लोग घमंडिया गठबंधन जो हैं वो बदनाम करने का जो साजिश करते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में जो बताते हैं हत्या बलात्कार लूट जो हो रहा है, तो क्या पुलिस उसकी जांच नहीं करेगा? कोई लूट कर रहा है तो पुलिस जांच नहीं करेगा? बदनामी करने का यह साजिश रचा जाता है कि फलना ऐसे करवा रहा है, चिलना ऐसे करवा रहा है। आज बताते हैं वो 300 करोड़ रुपया जो कांग्रेस वाला पकड़ाया, वो क्या बताते हैं उसका जांच नहीं करेगा? जो घोटालाबाज है वो यही कहेगा कि फलना ऐसे करवा रहा है, अपने खुद चोर है इसलिए दूसरा को दोष देता है। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके का जो मामला सामने आ रहा है, अभी तो जैसे कुछ राज्यों में जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, BJP जो है काफ़ी बहुमत से जीत हासिल की है, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा बिहार में, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि बार बार ये भ्रष्टाचार का उजागर जो हो रहा है इंडिया गठबंधन से, और विवादित बयान भी सामने आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, बता रहे हैं आपको, बिहार में NDA गठबंधन प्रधानमंत्री मंत्री के अगुवाई में पूरे 40 के 40 जीतने जा रहे हैं। यहाँ घमंडिया गठबंधन नहीं चलेगा,
यहाँ घमंडिया गठबंधन नहीं चलेगा, ये घोटलबाज गठबंधन है। पूरे बिहार का जनता जाग चुका है, एक एक करके एक भी सीट निमान नहीं होने देगा घमंडिया गठबंधन को। पूरे एनडीए के खाता में जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी में, और फिर से दोबारा प्रधानमंत्री तिवारा बनेंगे नरेंद्र मोदी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए 24, सहयोगी राहुल के साथ प्रिंस मिश्रा पटना। धन्यवाद।